आपका इंट्रोडक्शन हमेशा आपके रिजल्ट्स और आपका काम देना चाहिए, आपकी जुबान नहीं। कंफ्यूज पीपल विद योर साइलेंस एंड शॉक देम विद योर रिजल्ट्स। ये बात है 15 नवंबर 1989, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक बैट्समैन जिनका पहला मैच था, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। उस जमाने में उनकी जो उम्र थी वो थी 16 साल 205 दिन। पहला मैच खेलने जब वो फील्ड में आए और उनका सामना हुआ वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे सुपर फास्ट बॉलर के साथ, और पहले मैच में 15 रन के अंदर क्लीन बोल्ड। लेकिन चौथा टेस्ट मैच जहां इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और दिग्गज बैट्समैन शास्त्री, अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज बैट्समैन आउट हो चुके थे और इंडिया का स्कोर था 38 पे 4, और अब बारी थी सचिन तेंदुलकर की। अब सचिन तेंदुलकर जब पिच पे आए तो नॉन स्ट्राइकर पे उनका साथ देने के लिए थे नवजोत सिंह सिद्धू पाजी, और सामने जो बॉलर थे खतरनाक वकार यूनिस। अब जब बारी थी बैटिंग करने की तो वकार यूनिस ने जब बॉल डाली तो बॉल सीधा उनके नाक में जाके लगी और सचिन तेंदुलकर नीचे ज़मीन पर गिर गए, और ज़मीन पे गिरते ही खून निकलने लगा, नाक से खून का फवारा सा निकला। सब लोग हैरान हो गए, सब लोग घबरा गए, सबको लगा ये बच्चा इतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने कहाँ खेलने आ गया, आज ये बचेगा नहीं। सबको डर लग गया और वहाँ सबने सोचा कि अब ये पवेलियन जाएगा, तो वहाँ से आइस बॉक्स और स्ट्रेचर्स का इंतज़ाम किया गया, जल्दी से लाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू पाजी तेंदुलकर के पास गए और उन्होंने कहा कि बेटा तू पवेलियन लौट जा। तब सचिन तेंदुलकर ने नवजोत सिंह सिद्धू पाजी के कान में दो ऐसे शब्द बोले जिसने इंडियन क्रिकेट इतिहास को बदल के रख दिया और सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। और जानते हैं वो दो शब्द क्या थे? वो दो शब्द थे, मैं खेलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स। और जैसी ये बात बोली तो उनके अंदर हिम्मत सी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर घबराहट भी थी, क्योंकि 6 फुट के बड़े बड़े दिग्गज और सचिन तेंदुलकर उनके सामने बहुत छोटे थे। लेकिन तेंदुलकर जब वापस आए पिच पे, डट के सामना किया और सामने से वकार यूनिस ने दोबारा गेंद फेंकी और जोर से बाउंड्री की तरफ बॉल गई और चौका लगा दिया। और उस टाइम तेंदुलकर ने अपने शब्द से नहीं, अपनी जुबान से नहीं, अपने बल्ले से यानी कि अपने काम से जवाब दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने शब्द से नहीं, अपने काम से आंसर देना सीखिए, अपने रिजल्ट से आंसर पैदा करना सीखिए। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं, और तभी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं था आपका दोस्त कुशाल गावा, मिलता रहूंगा आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।